सुप्रभात, मैं शुभांगी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। कांग्रेस ने कुलदीप विश्नोई को पार्टी से निकाला, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की मिली सजा। काशी धर्म परिषद की बैठक, इस्लामी जिहादियों के आतंक से देश को बचाने के लिए संतों ने कसी कमर, 16 प्रस्ताव पारित। माइक्रो मैनेजमेंट से गहलोत के लिए आसान हुई 2023 की राह, चुनाव तक विधायकों को खुश रखना बड़ी चुनौती। हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बुलाई बैठक, जिलों के एसपी डीएम के साथ मिलकर करेंगे समीक्षा। सुरेन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में दी चुनौती, शेल कंपनी और लीज आवंटन का मामला। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की, अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। देश को मिले 288 नए योद्धा, उत्तराखंड के 33 जेंटलमैन कैडेट पास आउट। हरिद्वार में वीएचपी की अहम बैठक शुरू, काशी मथुरा विवाद पर हो रही चर्चा। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव के ठिकानों पर उत्तराखंड विजिलेंस की छापेमारी। नुपुर शर्मा के बयान पर उबाल, उत्तराखंड में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले हिंसा बर्दाश्त नहीं। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया पीएम शहरी आवास योजना का शिलान्यास, महंगाई पर कांग्रेस को लताड़ा। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।